नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। पिछले दो साल से सांस, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, लो ब्लड प्रेशर आदि तमाम बीमारियों से जूझ रहे समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक, उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, 9 बार के विधायक, 7 बार के सांसद, समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव का आज गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया है। आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। क्योंकि मैं इस समय बेलथरा रोड में मौजूद हूँ, बेलथरा रोड समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ से उनके करीबी साथियों में रहे स्वर्गीय शारदा अंचल जी रहे हैं, जो कई बार जो है विधायक बने, मंत्री भी उनके उनके साथ रहे और कंधे से कंधा मिलाकर चले। इसलिए यहाँ पे बात करना जरूरी हो जाता है कि यहाँ पे कुछ नेता हैं जो जिन लोगों ने और मंच जो है साझा किया है। आइए उनसे उनके विषय में जो है जानने की कोशिश करते हैं कि नेता जी के निधन के बाद जहाँ पूरा देश जो है शोक में डूबा हुआ है, गहरी संवेदना व्यक्त की जा रही है, जगह जगह उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज बेलथरा रोड के चौधरी चरण सिंह तिराहे पर भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन समाजवादी पार्टी के नेताओं में ने किया। उसमें जो है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है बेलथरा रोड की फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली गीता नेता, वह भी शामिल रही है। आज के दिन वह क्या कहेंगी इस शोक भरे समय में समाजवादी पार्टी के लिए, जो जबकि बहुत ही आज का दिन दुखद है जी। हाँ, तो ये आज जो है आपके तरफ से जो श्रद्धांजलि सभा चौधरी चरण सिंह तिराहे पे किया गया, आपके नेता धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज अंतिम सांस ली है, दुनिया से विदा हो गए हैं, तो ऐसे में आप जो है क्या सोचती हैं और क्या कहेंगे? हमारे नेता बहुत अच्छे थे, उनके जैसा कोई नेता पैदा ही नहीं होगा, न रहेगा, न होगा, न रहेगा कभी। वो नेता जी हमारे सारे कास्ट, गरीब, मजदूर, दलित सबको लेकर चलते थे और हमारे नेताजी बहुत अच्छे थे। जिसका भी अगर उनके पास कोई भी अपना काम लेकर जाता था, छोटी छोटी काम पर वो ध्यान देते थे। जिसको एक बार देखते थे उसका नाम लेकर दोबारा पुकारते थे। नेताजी वैसे थे। नेताजी ने गोरखपुर में हम लोग बैठते थे, नेताजी ने बहुत बड़ा हमको सम्मान दिया। नेताजी ने हमको जीएम स्कूल के मैदान में आए थे तो वहां भी हमको बहुत बड़ा सम्मान दिए। मैं हेलीकॉप्टर के पास जा रही थी तो फोर्स वाले रोक रहे थे तो डांटे और कहे कि आने दो बेटा को, तो मैं गई, सम्मान दिए, मुझसे पूछे। नेताजी बहुत अच्छे थे और जब से मैं राजनीति में आई हूँ, समाजवादी पार्टी छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ। ये समाजवादी का रीढ़ बन करके, एक दुर्गा बन करके मैं लड़ती रही हूँ अपने नेताजी के नाम पे, चुनाव चिन्ह साइकिल पर। और आज भी नेताजी सांस लेते थे तो घमंड था कि हमारे नेताजी है ना। कभी भी गरिमा के साथ हम लोग कहते थे कि समाजवादी माननीय मुलायम सिंह का हम लोग कर करता है और जिंदाबाद बोलते थे। आज उनका निधन होने के बाद उनका नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा, शरीर नहीं रहेगा। इस तरह से जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा संवेदना उनके निधन पे व्यक्त किया है और कहा है कि देश के लिए अपूर्णीय क्षति है उनका जाना। तो आप क्या सोचती हैं समाजवादी पार्टी के लिए कितनी जो है अपूर्णीय क्षति है? समाजवादी कार्यकर्ता थोड़ा नर्वस हुए हैं, मगर हम तो यही कहूंगी कि अपने नेताजी की कल कमरों द्वारा देखते हुए, सारी उनकी कारनामा देखते हुए, अगर उस पर समाजवादी नेता चलेंगे तो क्षति उनके नाम का, उनको नाम, उनके नाम को जगाना है और ऊंचा करना है। माननीय मुलायम सिंह का नाम कभी बूतने नहीं देना है, नेताजी का नाम कभी भी ऊंचा रखना है। मेरा इच्छा यही हार्दिक है। हम लोग के बीच में हम लोग का नेताजी नहीं रहे और नेताजी के नाम पे गरिमा था, गरिमा था, गरिमा था। आज हम लोग के बीच नेताजी नहीं रहे, इसका मैं दुख व्यक्त करती हूँ। और मैं सदा माता जी से ही मनाऊंगी कि हमारे अखिलेश जी को नेताजी का लक्षण दे कि नेताजी की राह पर चलें और अपना नाम रोशन करें, पूरा भारत में नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को, तो हम देख सकते हैं आप जो है ये गीता नेता थी,
बेल्टा रोड की फायर ब्रांड नेता जो है मानी जाती है, समाजवादी पार्टी से के जब स्थापना हुई उससे पहले से जो है जुड़ी हुई है, ये अंचल के साथ रही हैं, जनता दल में रही हैं। इनकी उनको याद करके इनकी आंखें जो है कहीं ना कहीं जो है नम हो रही थी, तो यह देश के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। भारत मीडिया परिवार भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भारत मीडिया के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।